ये एल्बम जो है वो हीरी है ये, इनफैक्ट बहुत ही करीब है मेरे दिल के। पानीदार रंग और साड़ी गली के बाद काफ़ी लोग ये सवाल पूछ रहे थे कि आप अब क्या, आपका गाना कब आने वाला है, नया गाना कब आएगा, बिकॉज बोथ द सॉन्ग्स सुपर हिट्स। और मैंने बोला कि मेरी फिल्म नेक्स्ट ईयर आ रही है तो मेरा गाना भी नेक्स्ट ईयर आएगा। बट देन आई रियलाइज कैन आई कैन ऑल्सो गिव सॉन्ग टू द ऑडियंस बिफोर द फिल्म एक सिंगल के जरिए। और ये सिंगल एक ऐसा ट्रेंड है जो आप वर्ल्ड वाइड देखते हैं, बड़े बड़े आर्टिस्ट नॉरा जोन से लेके जॉन मेयर, यहाँ से लेता हूँ, ये सिंगल का जो ट्रेंड है वर्ल्ड वाइड देखते हैं, और बड़े बड़े आर्टिस्ट कोल्ड प्ले से लेकर जॉन मेयर तक आपको सिंगल्स देते हैं इंस्टेड ऑफ एल्बम्स एट टाइम्स। सो हमने सोचा एल्बम की जगह एक सिंगल देने के लिए, वैसे भी टाइम थोड़ा कम था, मैं एक्टिंग में ज़्यादा बिजी हूँ, तो इसलिए सिंगल वॉज दी एप टाइम, और ज़्यादा ओवर फीड करने की ज़रूरत नहीं थी ऑडियंस को अपने गानों के साथ। हाँ, कई बार एक्सपेक्टेशंस आपको होती हैं कि आपका गाना पानीदार रंग या साड़ी गली से बेटर होना चाहिए। सो आई थिंक कि एक्सपेक्टेशंस आप खुद बनाते हैं। कई बार फैंस या फिर आपके एडमायरर्स जो होते हैं वो चाहते हैं कि दे शुड बी गिवन समथिंग विच इज़ मोर एक्स्ट्रॉर्डनरी, बट आई थिंक ये सिर्फ एक्सप्रेशन होता है आपके दिल का, जो आपके दिल से आवाज़ आती है या खुद आप लिखते हैं या कंपोज करते हैं। अब वो कैसे रिसीव किया जाता है ये ऑडियंस या लिसनर्स के हाथ में होता है, बट आई थिंक वी रोचक और मैंने बहुत ही ऑनेस्टली गाना बनाया है, एंड आई एम श्योर ये आपको अच्छा लगेगा। कि काफ़ी मुझे फीडबैक जो मिली है, कहीं कोई गाना साड़ी गली और पानी दरंग से अच्छा लगता है, कहीं को पानी दरंग बेस्ट लगता है। सो आई थिंक हर एक का ओपिनियन अलग होता है, बट आई एम श्योर इट विल टच मेनी हार्ट्स। नहीं, ये सिंगल है, इसमें एक गाना है ओ हीरिए, और ये पंजाबी और हिंदी का मिक्स है। पहली बार हमने हिंदी का इस्तेमाल किया है ताकि इसकी रीच ज़्यादा हो, ज़्यादा लोगों को समझ आए, क्योंकि पहले दो गानों में काफ़ी लोगों को समझ नहीं आते थे कई शब्द जो पंजाबी के बहुत ही ठेठ सा शब्द होते थे, जैसे भंजू समझ नहीं आता था पानी दरंग में, होका समझ नहीं आता था साडी गली में, तो हमने ऐसा कोई शब्द इस गाने में नहीं रखा है। बस ये कि कनेक्ट अच्छा होता है, और नॉर्मली आप ये सॉफ्ट रॉक का जो हमने एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सॉफ्ट रॉक जॉनर पंजाब में थोड़ा इतना पॉपुलर नहीं था, जो हम अब कोशिश कर रहे हैं कि पंजाबी के साथ जो अर्दी और कूल का मिक्स है, आई थिंक वो काफ़ी अच्छा रहता है। क्योंकि हिंदी फिल्मों में यू सी लॉट ऑफ सॉफ्ट रॉक इस तरह के गाने, आई टेक इट अगेन। आई थिंक पंजाबी और हिंदी, पंजाबी हिंदी का कॉम्बिनेशन ज़रूरी है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पंजाब से हूँ, आप देख रहे हैं मैंने कड़ा पहना है यहाँ भी तो और ऊपर से मुझे लगता है कि अर्दी पंजाबी और कूल इंस्ट्रूमेंटेशन का कॉम्बिनेशन काफ़ी अच्छा रहेगा। तो जॉनर जो हमने हमें बनाया है पंजाबी सॉफ्ट रॉक का, एंड वी वुड लाइक टू गो विद इट। अक्सर हम अपने गाने गिटार पर कंपोज करते हैं, तो और गिटार एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो आपको नॉस्टैल्जिक या फिर यादगार चीज़ें आपको स्मरण हो आती हैं, कॉलेज के टाइम या स्कूल का टाइम आपको याद आता है। सो आई थिंक इट गिव्स द राइट काइंड ऑफ कनेक्ट। हाँ, सोनम कपूर और ऋषि कपूर के साथ जो मेरी फिल्म है यशराज की, उसमें भी मैंने एक गाना गाया है, और वो हिंदी गाना है, वो पंजाबी नहीं है।